नारा है और मैं भी अपनी तरफ से ये बोलूँगी कि यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हर लड़की को, और हर लड़की को अपने लिए सपना देखना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और हमारी संस्था का नाम रेड ब्रिगेड लखनऊ। ठीक है, ऐसा कोई प्लान नहीं था कभी कि कोई रेड ब्रिगेड बनेगा और उषा निकल के आएगी बाहर और उसको सेल्फ डिफेंस सिखाएगी, ऐसा कुछ कभी प्लान नहीं था और कभी कोई सपना भी नहीं था। 2006 में मेरे साथ घटना हुई, मेरे साथ बलात्कार की कोशिश हुई और जिसमें मैं एक साल के लिए ट्रामा में चली गई। जब मैं ठीक हुई तो मुझे लगा कि अगर हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो हमारे पढ़ने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे इस तरह की घटना नॉर्मल बात है। लेकिन उस पर एक हम लोग कोशिश थी कि उसको कैसे उससे कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो एजुकेशन में रुचि लेती हैं, क्योंकि जब किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो समाज ही उसको अलग कर देता है, उसको लगता है कि सारी गलती उस लड़की की है। लेकिन हम लोग उसको बताते हैं उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट। तो हमें लगता है कि जो ये प्रोजेक्ट है, हम लोग जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वीक हैं तो हमारे अंदर ही ताकत है। उन औरतों की ताकत कैसे बाहर निकले, वो जो ताकत उन्होंने छुपा के रखी है वो कैसे नज़र आए, उस पे काम करना हम लोग पसंद कर रहे हैं। After looking Usha ji, I am really very inspired by her and she has motivated ourselves, all the girls of our school, and she has told how to save ourselves and how to make our image and don't fear from anyone. और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बोलना कि जो मैं ये ट्रेनिंग करती हूँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर हम बात करें हम सिर्फ लड़की को एम्पावर कर रहे हैं तो उसमें जो बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ जो कुछ लड़के जुड़े हुए हैं, जो उन लड़कियों को ताकत लाने के लिए वो बराबर मार खा रहे हैं, ऐसे लड़कों को समाज में आने की ज़रूरत है कि उनसे कम से कम पता चले कि वो समाज में एक बेहतर उदाहरण है और हर पुरुष को इस तरह की भूमिका में आना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज की सोच रख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है जब मैं किसी लड़की के चेहरे पे मुस्कान लाती हूँ, जब उसके साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ और जो उसका दर्द है, बहुत सारी चीज़ें उसने झेली होती है, और वो जब बोलती है, जो उसका डर है वो जब मैं बाहर निकालती हूँ, वो एक ताकतवर लड़की के रूप में नज़र आती है, और उसका दो चार दिन बाद फ़ोन आता है तो एक वो खुशी मिलती है और एक वो संतुष्टि मिलती है। और हमारी पूरी टीम यही चाहती है कि हर लड़की के चेहरे पर मुस्कान हो।